शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अच्छे लोग अच्छी चीजों के लिए, और तुम अच्छे हो इसीलिए सच के साथ हो, है ना? सच की राह में अगर सच कभी हार भी जाए ना, तो कभी परवाह मत करना। तुमने बड़ा ही नेक काम किया है, अल्लाह तुम्हें नूर बख्शे। हाँ अम्मी, सच की राह कठिन है और गीता में भी यही लिखा है कि अगर सत्य के लिए हमें अपनों का संहार करना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही कर्म योग है। बिल्कुल सही, कोई भी धर्म कभी भी गलत या अलग शिक्षा नहीं देता है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम इंसानियत की राह पर चल रही हो। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। Come on, let us do again. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. सब गलत कर रही हो जीनत। 1, 2, 3, 4. तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट। 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. रहने दो सीनत, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये कोई 5 वक्त की नमाज नहीं है कि रट ली और पढ़ दी। ये वेस्टर्न म्यूजिक क्लास है। आई कांट टीच यू अगेन एंड अगेन बिकॉज यू आर अ बिग जीरो। क्या हो जीनत, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे क्या हुआ, मुझे तो बता सकती हो ना? कुछ नहीं यार, बस वो शुक्ला सर। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो। तुम नहीं समझोगी यार, डांट तक तो सही था पर अब वो मेरे धर्म को लेकर मेरा मजाक बना रहे हैं। तुम्हें अपने अल्लाह पर विश्वास है ना, तो फिर चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। That's good. You mix that into this one and then you find out. Okay? तोड़ो, ये सब भी तोड़ दो ना। यही तो सिखाया गया है तुम्हें, हम यहां मेहनत से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। But you know what? I'm sorry. क्योंकि जीरो के पीछे कुछ भी लिख दो, आएगा तो जीरो ही ना। So I can't. I really can't multiply my efforts for a big zero girl like you. हाँ, तो बच्चों, मैंने आप सबको मुगल काल पढ़ा दिया है, अब आपकी तैयारी देखने का वक्त आ गया है। हाँ, तो अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण बातें बताइए। यस, उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया था। करेक्ट, पर औरंगजेब ने उसे दोबारा लागू कर दिया था। यस गौरव, टेल मी। सर, अकबर एक महान शासक था, उसके शासनकाल में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला और दोनों संप्रदायों ने उसे अपना बादशाह स्वीकार किया। गुड, बैठ जाओ। उनके उनके दरबार के राजा टोडरमल ने अपनी भूमि के हिसाब किताब की पद्धति सिद्ध की, जो आज भी उपयोग में है। गुड आंसर। जीनत, अब आप बताइए। सर, उन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था,
एक्सपेक्टेड आंसर एज यूजुअल. व्हाट इज रॉन्ग इन माय आंसर सर? बताता नहीं हूं, अभी सिद्ध किए देता हूं. तो जीना जी आप यहां आइए 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 आइए. हाँ तो बच्चों ये बताओ कि कितने फॉलोअर्स हैं इस दीने इलाही धर्म के? जीरो. अरे तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर देने वाला भी तो जीरो हुआ ना. Yes, sir. अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये जीरो होता कैसे है? और उसको घुमा दो. जीरो 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 जीरो. जीनत, 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 रोते नहीं हैं. ये आंसू तुम्हारी आंखों में बहुत बदसूरत लगते हैं. नहीं रोहन, मैं रो नहीं रही हूँ. How a teacher can insult his own student? हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं. घबराओ मत जीनत, शुक्ला सर ये सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं. हाँ पर क्यों? यही तो हमें समझ नहीं आ रहा है. इसमें समझना क्या है? लोग चिड़िया को पिंजरे में बंद तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी उड़ान को नहीं. और ये स्कूल, शुक्ला सर की क्लास तुम्हारी लिमिट थोड़ी ना है. तुम्हें तो अभी आसमान छूना है. ये क्या बदतमीजी है जीनत? ये स्कूल है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमने ऐसा क्या किया मैम? हमने नहीं, सिर्फ तुमने. मैं सब जानती हूँ तुम्हारा ये सब. सब तो ठीक है मैम, लेकिन ये लड़की ठीक नहीं है. लेकिन सर इसकी इन हरकतों से पूरे स्कूल का माहौल खराब हो रहा है. और इसमें दूसरे स्टूडेंट की क्या गलती है? सही कह रहे हो मैम, इसको तो अब स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाने का समय आ गया है. बिल्कुल सही कहा सर. पर मैम, पर ही तो कतरने तुम्हारे जो ज्यादा निकलने लगे हैं. सर जितनी जल्दी हो सके जीनत को हमें स्कूल से बाहर निकालना ही होगा, नहीं तो हमारे स्कूल की इमेज कुछ और ही हो जाएगी. ऐसा क्या हो रहा है हमारे स्कूल में? क्या हो रहा है डॉली मैडम, बताइए ना सर को. हाँ जी सर, अब तक तो पढ़ाई तक ही बात थी, लेकिन अब तो जीनत ने हदें ही पार कर दी हैं. कल मैंने और मानिक सर ने इनको रंगे हाथों पकड़ा है. आप चाहे तो मानिक सर से पूछ लीजिए. हाँ हाँ सर, डॉली मैम बिल्कुल सही कह रही हैं. जीनत ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है मेरी जीनत, मुझे पूरा यकीन है. तो ये सब ये झूठ बोल रहे हैं? सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमने ऐसा किया क्या है. समझ में मेरे भी नहीं आ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया है. आई एम जस्ट अशेम्ड ऑफ यू एंड यू डोंट इवन रियलाइज योर मिस्टेक. यू मे गो नाउ.